हाँ जी दोस्तों, शादियों का सीजन चल रहा है। आपका तो मन करते ही डांस करने का। जब कोई शादी पे जाती है तो हमेशा हम सज धज के जाती है, तो वहां पे आपको कोई डांस के लिए बुलाए तो तुरंत आप फटाफट खड़े हो जाइए और डांस के स्टेप यही कर लीजिए। मैं आपको आज वो स्टेप सिखाऊंगी जब किसी की शादी पे जाते हो, कीर्तन पे जाते हो, किसी के घर ढोल की बजती हो, मेहंदी की रस्म हो, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो, आप ये स्टेप इजीली तरीके से कर सकते हैं। ये हाउस वाइफ लेडीज है, जो बिगिनर्स है, जो बिल्कुल भी डांस करना जानती है, ठीक है, वो यहाँ से स्टेप शुरू कर सकती है। मैं आपको बताऊंगी पैरों के स्टेप्स, इसमें पैरों के स्टेप्स हमने किस तरह से उठाना है, ठीक है। ध्यान से फॉलो कर लेना हमारे स्टेप्स को और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग अभी नई नई जुड़ रही है, ताकि आपको सारे स्टेप्स की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए रेडी हो जाइए और जब किसी की शादी हो ना, फटाफट ये स्टेप रेडी कर लीजिए, वहां पे ये स्टेप करें, फिर देखना आपके स्टेप वहां पे इतने कमाल हो जाएगा, आपका वहां रंग जमेगा, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट। हाँ जी फ्रेंड्स, आप रेडी हो जाइए। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से समझना, हमने अपने पैरों की पोजीशन ध्यान से देखो, ठीक है, किस तरह से उठाएंगे। जो हमारे पैरों की पोजीशन है आपको वीडियो में अच्छे से समझाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखो, जो राइट वाला पैर है ना, तो हल्का सा इस तरह से टैपिंग होगा, हल्का सा ऊपर उठेगा, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा उठेगा। हाथ को देख रहे हो ना, इस तरह से उठेगा, ठीक है। 1 2 3 4, जो लेफ्ट वाला पैर है ये इस तरह से उठेगा, ये इस तरह से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। जब हम ये पैर उठाएंगे तो साथ में ये ऊपर उठ जाएगा लेफ्ट वाला, ठीक है। राइट वाला पैर जैसे उठाएंगे ना हल्का सा, तो ये लेफ्ट वाला हमारा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब देखो, कमर पे हाथ रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये राइट वाला पैर ना हल्का सा उठाना, बिल्कुल मामूली सा, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये स्टेप इस तरह से बनेगा। देखो, हैंड्स के स्टेप इस तरह से रहेंगे, इस तरह से हमने घुमाना, इस तरह से, ठीक है, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, ठीक है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब हम ये वाला स्टेप करते हैं तो हमारा बेस जो फेस होता, फेस की डायरेक्शंस होगी तो हमारा लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। अगर हम इधर स्टेप करेंगे राइट साइड में तो हमारा फेस राइट में होगा, ठीक है। पैरों के स्टेप मैंने आपको इस तरह से बता दिए हैं, ठीक है। इस तरह से हमने प्रैक्टिस करनी है पहले, ठीक है। तो लेफ्ट वाला पैर हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है और राइट वाला हल्का सा मामूली से उठाना है, ठीक है। फिर हम बाउंसिंग करेंगे और हल्का से बेंड होकर शोल्डर के साथ ऐसे ऐसे करेंगे मूवमेंट, ठीक है। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम 4 बार इधर करेंगे, 4 बार इधर करेंगे, राइट वे में सेम रहेगा, लेफ्ट वे में सेम रहेगा। और पैर का डायरेक्शन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रहा है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिया करो। अब आती है हमारी दूसरा स्टेप, जो सेकंड स्टेप है, नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हैंड्स हमारे इस तरह से घूमेंगे, बेंड होने इस तरह से हैंड, ठीक है, ध्यान से देख लो, हैंड्स को रोटेट करेंगे, पैरों की मूवमेंट हमारी सेम रहेगी, ठीक है गाइस। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, इस ये स्टेप इस तरह से रहेगा। हमने सर्कल शेप में घूमने हैं, हैंड्स के स्टेप इस तरह से घूमेंगे, ठीक है, बेंड होना हल्का सा, ठीक है, ध्यान से समझिए, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आया समझ। इस तरह से हमने हल्का सा बेंड होना लेफ्ट साइड में और इस तरह से हैंड्स को मूव करेंगे। चाहे आप राइट वे में कर सकते हो, चाहे लेफ्ट वे में कर सकते हो, राइट वे में इस तरह से घूमेगा हैंड, ठीक है, इस तरह से, ध्यान से समझिए, इस तरह से हम हैंड्स लेकर आएंगे और इस तरह से घूमेंगे। ओके गाइस, ये था हमारा तीसरा स्टेप। ये कौन सा स्टेप था हमारा, दूसरा का तीसरा, दूसरा था, आप तीसरे पे आ गए। अब दूसरा लास्ट स्टेप है हमारा, जो तीसरा स्टेप है वो नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। देखो, तीसरा स्टेप में हमने हैंड्स को इस तरह से घुमाया,
1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर ऊपर की तरफ फेस रहेगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है गाइस, इस तरह से झुकेंगे और इस तरह से घुमाएंगे और पैर का स्टेप हमारा ये रहेगा, ध्यान से नोटिस कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा मत, सबसे इजी स्टेप है ये आप लोगों के लिए, जो बिगिनर्स हैं ये स्टेप आप कर सकते हो, इस तरह से झुके और हैंड्स को घुमाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, चाहे आप हैंड्स के साथ कर सकते हो चाहे इसको फिस्ट क्लोज करके कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बस इसमें क्या होगा, हमारा पैर होगा जो हल्का सा डिपिंग करेगा ठीक है। अब देखिए हमारा जो चौथा स्टेप, ये चौथा स्टेप आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। इस तरह से हमने ये वाला हैंड हमने ऊपर रखा सिर पे और वन करा ठीक है, 1, 2 ठीक है, पैर को इस तरह से लेकर जाना हल्का सा हमने स्लाइड करना है और जब स्लाइड करेंगे तो राइट वाला पैर हमारा ऊपर उठेगा ठीक है, बाउंस करेगा। अब देखिए ये लास्ट जो चौथा स्टेप है ना, ये हमेशा आप कीर्तन होता है जैसे किसी के गली में शादी होती है वहां भी ये स्टेप कर सकती हूँ, मिक्स कर सकती हूँ, जो मैंने पुस्का है चौथा स्टेप नोट कर लीजिए। यहाँ से अपनी कमर पे रखा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारा सीट के पीछे रखा, इस तरह से रखा ठीक है, आया समझ आपको, ध्यान से देखो। अब ये बार बार आपको स्टेप इसलिए समझा रही हूँ, आपने इसको समझने की कोशिश करना, डिसिप्लिन में रहना पहला पार्ट, अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे ना कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे तभी आपको ये स्टेप आएगा, कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे मेरे साथ जुड़ेंगे बहुत सारे स्टेप्स आप सीख सकते हो। आप देखो स्टेप्स, लेफ्ट हैंड पे रखा हैंड समझिए ध्यान से और राइट वाला हैंड हमारा सीट पे होगा, और हमने जैसे इसे गिरा पैर को इस तरह से करा तो हमारा राइट वाला पैर हल्का सा उठा ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये स्टेप एनर्जेटिक के साथ होगा और स्माइल के साथ होगा, आपकी ह्यूज स्माइल होनी चाहिए ठीक है, अगर आपकी ह्यूज स्माइल होगी ना तो ही आपका स्टेप एनर्जेटिक लगेगा ठीक है गाइस। अब देखिए स्टेप्स को ना हमेशा समझने की कोशिश करो, जो मैं बार बार आपको सिखा रही हूँ सारे स्टेप्स आपको म्यूजिक पे सिखाए जाएंगे ठीक है, सारे ट्यूटोरियल जो मैं बना रही हूँ इसको सीखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, घर बैठे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, घर बैठे ही डांस सीख सकते हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं आपको ठीक है। अब देखिए जो चौथा स्टेप की प्रैक्टिस हम दोबारा से करते हैं, रेडी अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है गाइस। ये बिगिनर्स के लिए हाउस ऑफ लेडीज है ना, जो हिल नहीं सकती उनके बॉडी हमेशा एक्टिव रहेगी ठीक है गाइस। अभी चारों के चारों स्टेप अब म्यूजिक पे करेंगे, ध्यान से देखना रेडी। करनी है और मेरे चैनल को फटाफट शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो लोग भूल जाते सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी भी दबा दिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन
बेला की घंटी से ही जल्दी मिल सकेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से नए स्टेप्स लेकर आएंगे, जैसे कि ढोल वाले स्टेप्स हो गए, शादी वाले हो गए, भांगड़े वाले हो गए, और भी जैसे पार्टी वेयर होती है, लेडीज को शौक होता है डांस करना, है ना। अगर आप डांस करेगी तो ही तो फिट रहेगी ना, बोल कर कहने से तो कुछ नहीं होगा, खुद प्रैक्टिस करो, फिजिकल वर्कआउट करो, तभी आप फिट रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपको मेडिकल लेने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो गाइस आप रेडी हो जाइए, अभी से स्टार्ट करने लीजिए, ठीक है। अभी से स्टार्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल 10 दिन के अंदर ही बढ़ेगा। ठीक है गाइस, स्टे हेल्थी, बी फिट। ओके जी, बाय बाय।